सजना सवरना किसे अच्छा नहीं लगता, और वो भी जब जब फेस्टिव सीजन आ गया हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं, और अभी आने वाला है करवा चौथ और फिर आ जाएगी दिवाली। तो इस तरीके से एक के बाद एक फेस्टिवल लाइन में है और सजना सवरना सभी को पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, इस फेस्टिव सीजन पर कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, नए नए अपने लिए स्टाइलिश कपड़े बनवाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल से आउटफिट को ही अलग अलग तरीके से वियर करती हैं और उसमें वो स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको कुर्ती पहनना पसंद है, और स्पेशली उनमें जिनको कि प्लेन कुर्ती पहनना पसंद है, तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गॉर्जियस वाइंस। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कुछ स्टाइलिंग टिप्स जो आपके प्लेन कुर्ती को बना देंगे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, और आप जब प्लेन कुर्ती पहनेंगी तो उसमें आपका लुक आएगा कुछ डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने प्लेन कुर्ती को अलग अलग स्टाइल से पहनती हैं और उसमें ही एक अलग लुक क्रिएट करती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पूरी वीडियो और जानते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, किन किन स्टाइल में हम अपनी प्लेन कुर्ती को वियर करके एक नया लुक दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप जानती हैं कि जब हम कुर्ती वेयर करते हैं तो उसके साथ दुपट्टा किस तरह का ले रहे हैं, उसके साथ ज्वेलरी किस तरह से पेयर कर रहे हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो जो प्लेन कुर्ती होती है उसके साथ कौन कौन से दुपट्टे लें, किस तरह की ज्वेलरी पहने जिससे कि उसका लुक ज़्यादा अच्छा आए। तो जो फर्स्ट यहाँ पर मैंने रखा है प्लेन कुर्ती के लिए, वो यह है कि हम अपने दुपट्टा को किस तरह से ड्रेप करें, कौन सा दुपट्टा ड्रेप करें अपनी प्लेन कुर्ती के साथ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में आपको बनारसी दुपट्टा मिल जाएंगे, चंदेरी फैब्रिक के दुपट्टा मिल जाएंगे, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के दुपट्टा मिल जाएंगे। तो आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं और ऑफलाइन भी। और आजकल तो जो सीक्वन वर्क है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो आप चाहे तो सीक्वन वर्क वाले दुपट्टा लीजिए, और जो गोटा पट्टी वाले वर्क वाले दुपट्टा होते हैं उनको पेयर कीजिए और देखिए कि आपकी कुर्ती का लुक कैसे चेंज हो जाता है। उसके बाद आजकल जो कलमकारी प्रिंट होते हैं या फिर बंधेज दुपट्टा होते हैं, लहरिया दुपट्टा होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं प्लेन कुर्ती पर। तो अगर आप भी प्लेन कुर्ती पहनने वाली हैं तो इनमें से कोई भी आपके पास दुपट्टा है, चाहे बनारसी दुपट्टा रखा है, तो उसको आप इस फेस्टिव सीजन में वियर करके देखिए। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक आता है उसके दुपट्टे काफ़ी इन हैं, या फिर आपको फुलकारी दुपट्टा मिल जाएंगे या प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएंगे, उसको आप कलरफुल दुपट्टा मिल जाएंगे, उसको अगर आप अपनी कुर्ती के साथ पेयर करेंगे तो उसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपकी बोरिंग सी जो कुर्ती है प्लेन उसको भी एक बहुत ही फेस्टिव लुक मिलेगा। तो अपनी जो भी कुर्ती है आपके पास उससे मैच करता हुआ कोई दुपट्टा लीजिए, और उसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा, चाहे वर्क वाला दुपट्टा लीजिए, लहरिया प्रिंट वाला दुपट्टा लीजिए, चंदेरी वाला दुपट्टा लीजिए, इस तरह के कोई भी दुपट्टा आपके पास रखे हुए हैं तो उनको मिक्स एंड मैच करिए और अपनी प्लेन कुर्ती को दीजिए एक बेहतरीन और नया लुक, जिससे कि जो आपका फेस्टिव लुक है वो अपने आप ही दिखने लगेगा, और उसके साथ आप मैच करता हुआ जो और चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, उसको पेयर कर लीजिए, तो फिर देखिए आपका लुक कितना ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास दुपट्टा रखा हुआ है और नहीं है तो आप ख़रीद भी सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप अपनी ज्वेलरी को अच्छे से पेयर कीजिए। लेकिन आप अपनी ज्वेलरी को चूज़ कैसे करेंगी, कौन सी ज्वेलरी परफेक्ट होती है आपके जो प्लेन कुर्ती है उसके लिए? तो फ्रेंड्स, प्लेन कुर्ती के साथ जो ज्वेलरी जाती है वो आ जाती है एंटीक ज्वेलरी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लेन कुर्ती पहन रही हैं तो उसके साथ एंटीक ज्वेलरी को वियर कीजिए, और इसके साथ साथ वियर कीजिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को, क्योंकि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है। तो अगर आप भी चाहती हैं अपनी लुक को कुछ अलग देखना तो एंटीक ज्वेलरी या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाएगी और आपकी कुर्ती के लुक को एकदम ही चेंज कर देगी। तो फ्रेंड्स, अपने लिए अगर आप
प्लान बना रही हैं प्लेन कुर्ती को पहनने का, तो इनमें से जो भी ज्वेलरी आपको पसंद है उसको पहनिए। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी हैवी लुक चाहती हैं अपनी कुर्ती में, तो आप हैवी ईयरिंग पहन सकती हैं, गले में चोकर डाल सकती हैं, और इसके साथ साथ आप चाहे तो रानी हार भी डाल सकती हैं, जो कि आपकी प्लेन कुर्ती के साथ बहुत अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि आपकी कुर्ती प्लेन है इसलिए आप ईयरिंग को बड़ा बड़ा रख सकती हैं। जो भी आपकी ज्वेलरी है उसको थोड़ा सा हैवी रख सकती हैं, लेकिन हाँ, ज्वेलरी को हमेशा बैलेंस रखिए। अगर ईयरिंग बड़े डाल रही हैं तो उसके साथ में नेक पीस को बिल्कुल पतला रखिए, स्लीक रखिए, जिससे कि आपके जो ईयरिंग है वो ज़्यादा हाईलाइट होंगे और आपकी कुर्ती का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। आजकल मार्केट में जंक ज्वेलरी में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जिस स्टाइल का भी आपको पसंद है ज्वेलरी पहनना, उस तरह की आप ज्वेलरी पसंद कर सकती हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो उस तरह से आप अपने लिए ज्वेलरी पेयर कर सकती हैं। अगर आपको ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है तो उस तरह के लिए आप अपने लिए अलग से ज्वेलरी खरीद सकती हैं। तो इस तरह की ज्वेलरी में से आप कोई भी एक ज्वेलरी का पेयर खरीद लीजिए और उसको मिक्स एंड मैच करके पहनिए। अब बारी आती है नंबर 3 टिप्स की, और वो है कि हम अपनी प्लेन जो कुर्ती होती है उसमें स्टाइलिश कैसे दिखे, उसमें और क्या ऐड करें जिससे कि हमारा लुक और ज़्यादा बेहतरीन आए। तो फ्रेंड्स, अपनी प्लेन कुर्ती को ज़्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए उसमें ऐड करिए पोटली। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल जयपुरी जो पोटली आती हैं उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आप भी अपने लिए वर्क वाली, मिरर वाली या थ्रेड वाली जो पोटली होती हैं, या कलमकारी प्रिंट वाली जो पोटली होती हैं, इनको ऐड कीजिए। देखिए, आपकी प्लेन कुर्ती में भी ये कलर ऐड कर देंगे जो कि फेस्टिव लुक को दिखाता है। इसके साथ साथ आप पर्ल वाली, बीड्स वाली जो पोटली होती हैं उनको भी पेयर कर सकती हैं, और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो प्रिंटेड जो पोटली आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो भी आपने कुर्ता पहना होगा, कुर्ती डाली होगी, उससे मैच करती हुई पोटली आप पेयर कर सकती हैं, और उसके साथ साथ आप ऐड कीजिए एक कलरफुल सी बिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपने कुर्ती वेयर की है तो फेस्टिव लुक देने के लिए उसको उसके साथ उसकी मैचिंग की बिंदी लगाइए, और प्यारे प्यारे हाथों में डालिए बैंगल्स। देखिए आपका लुक कैसे चेंज होता है, और जो आपको कुर्ती बिल्कुल सिंपल लग रही थी वो भी अब कलरफुल दिखने लगेगी, क्योंकि उसमें आपने कलरफुल ज्वेलरी ऐड की है, कलरफुल बैंगल्स ऐड किए हैं, ईयरिंग वगैरह ऐड कर लिए हैं, और साथ ही साथ उसमें आपने पोटली बैग को भी ऐड कर लिया है। और जब आप बिंदी लगाते हैं कलरफुल, तो वो भी आपके फेस्टिव लुक को और ज़्यादा एप्रोप्रिएट बनाती है। तो फ्रेंड्स, अपने लुक को कंप्लीट कीजिए एक प्यारे से बैंगल्स के साथ, या फिर एक प्यारे से ब्रेसलेट के साथ, ये भी आपको काफ़ी अच्छा लुक देती है। फ्रंट ब्रेड बनाते हुए अपने बालों को भी एक प्यारा सा हेयर स्टाइल दीजिए, तो ये हेयर स्टाइल भी आपको जो प्लेन कुर्ती है उसके लुक को कंप्लीट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी टिप्स को आजमाइए और अपनी प्लेन कुर्ती को दीजिए एक प्यारा सा लुक, फेस्टिव लुक। तो देखिए, आपकी प्लेन कुर्ती जो दिख रही है बिल्कुल सिंपल, उसमें आ जाएगा कुछ अलग ही ग्रेस। तो फ्रेंड, ट्राई ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर...